दोस्तों, उच्च पद प्रभार के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम पदोन्नति नियम 2016 में दिनांक 20/12/2022 को किए गए संशोधन द्वारा उच्च पद प्रभार दिए जाने संबंधी प्रावधान किया गया। उपयुक्त प्रावधान के अनुक्रम में एटद द्वारा निम्न अनुसार तालिका के कॉलम क्रमांक 3 में दर्शाए गए लोक सेवकों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कॉलम क्रमांक 6 अनुसार गणित विषय के उच्च पद प्रभार प्रशासकीय आधार पर सौंपते हुए कॉलम क्रमांक 7 में दर्शाई गई संस्था में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है। तो यह शिक्षक का नाम दिया गया है, उन्हें उच्च पद प्रभार मिलने वाली संस्था का नाम दिया गया है। इस आदेश के आधार पर संबंधित लोक सेवक उच्च पद श्रेणी के वेतन की कोई दावा नहीं कर सकेगा, ना ही इस आदेश के आधार पर उच्चतर वेतनमान की कोई मांग कर सकेगा। संबंधित लोक सेवक प्रभारित उच्च पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जिस पद पर वह स्थापन रूप से पदस्थ किया जाता है। संबंधित लोक सेवक को नवीन पदाधिक संस्था में उच्च पद का प्रभार 3 कार्य दिवसों में ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तो यह रजनी चौरसिया का उच्च पद प्रभार आदेश जारी कर दिया गया। इन्होंने कोर्ट में केस लगाया था कि उन्हें उच्च पद का प्रभार दिया जाए क्योंकि वो उनके रिटायरमेंट की डेट आने वाली है। तो उन्हें कोर्ट के द्वारा यह उच्च पद का प्रभार दिया गया है। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।